सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम सदानं सर्वधर्मानां जनं जयतु शाश्वतम्। धर्म एक आत्मा के गीत गाएंगे,
जितने पर्व हैं जो लौकिक पर्व जिनको लोक जन मनाया करते हैं वे तो पर्व ही नहीं है, क्योंकि पर्व नाम तो पवित्रता का है। तो जिनको लोक के जन पर्व कहते हैं वे पर्व तो अपवित्रता को लाने वाले हैं, लेकिन ये जो पर्व है कौन सा भैया? दस लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। पर्युषण नाम का शब्द हमारे आगम में कहीं नहीं मिलता है। ये तो दस लक्षण है, जो दस नहीं मनाते हैं वे पर्युषण लिखते हैं। हमारे यहाँ दस लक्षण मनाए जाते हैं, और नहीं तो धर्म के दस लक्षण नाम की पुस्तक में अंत में विद्वानों का लेख पढ़ लेना। तो ये दस लक्षण पर्व, ये दस लक्षण पर्व हमें अपने आत्मा के गीत गाने को मिला है। महावीर जयंती आएगी, परमात्मा महावीर के गीत गाएंगे। पार्श्वनाथ जयंती आएगी, पार्श्वनाथ के गीत गाएंगे। अष्टाधिका पर्व आएगा, बोलो, नंदीश्वर के गीत गाएंगे। दस लक्षण पर्व आएंगे, किसके गीत गाएंगे? ये तो मेरे गीत गाने के दिन है, ये तो अपने गायन के दिन है। ये मेरा पर्व है जहाँ मेरे गीत गाए जाएंगे। ऐसे गीत गाने के दिन, ऐसे चैतन्य में बैठने के दिन, ऐसे मंगलकारी आत्मा की महिमा के दिन, यानी ऐसा लगे क्या कहें, दस लक्षण आने वाले हैं, ये नाम मात्र से ही रोमांच आ जाए। यानी शुद्धोक्त योग के दिन आने वाले हैं। दस लक्षण अर्थात क्या है? थोड़ा कठिन पड़े है तो बाद में कहानी ले लूंगा, घबराना नहीं लेंगे। दस लक्षण अर्थात क्या? शुद्धोक्त योग के दिन आने वाले हैं, यानी परम आनंदमयी चैतन्य में बैठने के दिन आने वाले हैं। शुद्धोक्त योगी के दिन, शुद्धोक्त योग के दिन, परम आनंदमय चैतन्य के बैठने के दिन। अरे आचार्य महाराज तो ये कहेंगे कि दस लक्षण जो असम में मनाए वे तो दस लक्षण में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। परमात्म स्वभाव में ही दस लक्षण मन गए तो दस लक्षण नहीं मन पाए हैं। दस लक्षण तो स्वास्थ्य भाव के त्याग कर चैतन्य में बैठने के दिन है। अशोक परिणति को ही नहीं छोड़ना, बोलो आगे, ये तो शोक परिणति से भी उड़ जाने के दिन है। ये अवश्य के त्याग के दिन नहीं है, अधूरा नहीं मत लेना, बोलो, ये अवश्य के त्याग के दिन नहीं है। तो फिर खाने के दिन है, वक्त के भी त्याग के दिन है। ये होटल बंद करने के दिन नहीं है, होटल तो बंद हो ही रहती है। ये तो चौका में भी ताला डल जाता है भी दिन, मन शुद्ध भोजन में भी ताला डल जाता है, लेकिन शुद्ध भोजन का ताला खुल जाता है।
क्या बोल गए हैं? शुद्ध भोजन जिसको चरणानियों कहता है उसमें तो ताला डाल देते हमारे श्रावक, धन्य श्रावक, और शुद्ध भोजन का ताला यहाँ खुल जाता है। उपवास करते हैं लेकिन वार का उपवास को, लेकिन वास करते हैं किसके तबीब, आनंद के तबीब वास करते हैं। निवृत्ति लेते हैं लेकिन प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति लेते हैं। किसमें प्रवृत्ति? अरे सुवासो भाव से तो निवृत्ति, पर अपने चैतन्य भगवान आत्मा में प्रवृत्ति। ये हरि के त्याग के ही दिन नहीं है, ये हरि के त्याग के तो दिन है परंतु हरि के त्याग के दिन नहीं। क्या सुन रहे हो कि नहीं सुन पा रहे? दो बार बोल गए हरी हरी हरी, जिसको आप हरि कहते हो वनस्पति का है, और हरि के त्याग के तो दिन है परंतु हरि के त्याग के दिन नहीं। हरि मतलब हरने वाला, किसको हरने वाला? जो रागादिक भावों को हरने वाला, जो रागादिक को हरे सो हरि, कर्मों को कृष्ण करे करे सो कृष्ण, गुरु श्री बोलते हैं हरने वाला है। अरे तेरे समस्त दुखों को, विवाहों को, कष्टों को हरने वाला हरि तेरा भगवान आत्मा। हरी हरी मत करना, हरी हरी करना, और हरी हरी नहीं करोगे तो हरी हरी करोगे। भैया क्या करे, हरी छोड़ दी तो पेट सिर फला, हरी छोड़ोगे और हरी नहीं बजोगे तो होगा ही जैसा। इसलिए भाई ये हमारे दिन आए, कहा बैठने के दिन है? ये घर में बैठने के दिन नहीं है, ये मंदिर में बैठने के दिन है। हम ऐसा कहेंगे और मंदिर में विराजमान प्रभु कहेंगे, ये मंदिर में बैठने के दिन नहीं है, अंदर में बैठने के दिन है। हम तो ये कहेंगे भैया चलो मंदिर, मंदिर के दिन है ये तो, और मंदिर में विराजमान परमेश्वर कहेंगे आओ अंदर है? आओ जिन मंदिर में आओ, आओ निज मंदिर में आओ। जिन मंदिर में आकर के निज मंदिर में आने के दिन है भाई, तो ये समझो इतनी अंदर में खुशी होना चाहिए। पर रूढ़ी थी अपनी पूजा कर ली, थोड़ी माला पहन ली, थोड़ा ऐसा कर ली और दस लक्षण पूरे हो गए, ऐसा थोड़ी। दसवें दिन तो कहाँ पहुंचना है बोलो जल्दी। फिर साल है कई बार वो, हम लोग तो पूर्णिमा के पहले जाते नहीं ना, रत्नाकरा रहता है तो दूसरे दिन सवाएं खाली हो जाती हैं पूर्णिमा के दिन। हमें नहीं लगता है सब सिद्धालय चलेगा, चलो अच्छा। तो ऐसा नहीं करता भैया, ये खाली करके भोगालय नहीं भरना, अब तो जिनालय में सिद्धालय जाने के दिन है कम से कम। भैया धर्म प्रकट करना साक्षात चारित्र धर्म है, वो साम्य भाव धर्म है। धर्म का मूल तो प्रकट कर लेना। ये मुनिराज सदा इन पर्वों को मनाया करते हैं और आप भी भावना भाया करते हो मुनिराज है। धर्म दर दस लक्षणी वाए लक्षण। धर्मों को धारण करे सारूत भावनाओं को बाते हैं ऐसे निर्गंत योगीश्वर, वे तो इन पर्वों को सदा मनाती है। देखो भाई
महलों में रहने वाले अरबपति खरबपति लोग होते हैं, वे तो रोजाना मिष्टान्न खाते हैं, लेकिन पर्व का निमित्त पाकर झोपड़ी में रहने वाला होता है ना, तो वो भी कहता है भैया अब लौकिक जीव लौकिक जानते हैं, वे क्या जाने, आयो दिवाली है कछु नहीं ने गुड़ाई बना लो, गुड़ का ही कछु मीठो डाल लो, चीरा बना लो, वे हलवा खा रहा है तो थोड़ा मीठा अपने ही हूं कर ले, राय तो सदा परम आनंद तिंद्री आनंद प्रचुर स्वय संवेदन करते हैं, अरे हम भी मीठा मुंह कर ले स्वय संवेदन कर ले, यानी वे तो सदा मनाते हैं, वे तो सदा आनंद में, अयम जीवा भगवान आत्मा सदा आनंद में है, उसके आनंद का भोग करते हैं, मुनराज अलग से दस लक्षण नहीं मनाते, हम मनाते वो अलग से नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते हाँ। और आप भी पूजा करके आए होगे ज्ञानत राय जी वाली, तो उस पूजा में क्या आता है बवाता परिवार दस लक्षण पूजो दस देना, गलत तो नहीं बोल गए, दबड़ गया है, आठ बार प्रतिज्ञा करके आयो दस लक्षण पूजो दस देना, करवा दे तुम्हारे हिसाब से दसरा कर दे रहे दसला चढ़ दस दिन नहीं पूजना, कब पूजना, अरे पूजा ही में नहीं पूजना, पूरे दिन पूजना, सदा पूजू उठता बैठता हर हालत में हर समय दसला क्षण पूजू, तो दसला क्षण पूजू अर्थात क्या, दस लक्षण धर्म का जो धर्मी है भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा को पूजू पूजू अर्थात ऋतु अनुभव बाऊ उसी में रम जाऊ, पर्याय रूप देखने वाले दस लक्षण नहीं मनाते, पर्यायों से पार उठ जाने वाले दस लक्षण मनाते, पर्याय दृष्टि को छोड़कर सर्व दृष्टि पूर्व देव गुरु धर्म का अकाट विश्वास टूट विश्वास, ये मेरे सर्वस्व है, ये मेरे धर्म के आधार है, यहाँ से तो दस लक्षण का मंगलाचरण होगा, उनके द्वारा बताई हुई तत्वार्थों को वाते हुए का वेद ज्ञान करते हुए भगवान आत्मा के दर्शन पूर्वक दस लक्षण की नींव धरी होती, क्या बोल गए, शास्त्रीय शब्द तो बोल रहे हैं लेकिन आपकी भाषा में, देव साज गुरु के विश्वास, पहले में पहला क्या विश्वास, ये मेरे अष्ट अंग 25 दोष से रहे परमात्म देव गुरु धर्म का विश्वास, ये मेरे सर्वस्व है, उनके द्वारा बताए हुए तत्वार्थों को वाते हुए सुपर वेद विज्ञान करते हुए भगवान आत्मा के जो दर्शन होते हैं वह दर्शन सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, नहीं दस लक्षण का मूल है, पंडित जी लिखते हैं टोटरमल जी देवसाद गुरु की श्रद्धा तत्वार्थों का श्रद्धान आपा पर का वेद ज्ञान और आत्म श्रद्धान ये सम्यक दर्शन चार दिया ना, और होते हैं तब अनुक्रम से होते हैं, तब जान ज्ञान में जाना नारा, इस बार तो योग बन नहीं पाया, एक दो दिन पहले आते हैं तो हम कहले मेरे सम्यक दर्शन तो धर लो पहले, फिर परसों से चरित्र बनाएंगे, यानी पहले दस लक्षण के पहले क्या है मूल, मूल क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान, और ये पर्व किसके हैं चारे, कोई एक आध पर्व का नाम बताओ भाई, अब देखो हमारी कल नहीं आ पाए तुम का वो ही चलेगा जो है, कम से कम आज पर्व शुरू हो गए तो
हैं, उसकी भूमिका तो बन जाए थोड़ी सी। बोलो, दस लाख क्षण के सम्यक दर्शन का कोई पर्व है? बताओ जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन का कोई पर्व? ये तो सभी पर्व सम्यकता देखते हैं, लेकिन जिसका फल ही सम्यक दर्शन का है, बताओ कोई। अरे पढ़ते हुए याद है आपको, बैन नहीं कहलकी होत सम्यक धर्म। बोलो कौन सा पर्व? अष्टानिका पर्व, वो सम्यक का पर्व है मुख्यता। क्यों? देवों के द्वारा मनाया जाता है और उनकी पर्याय में सम्यक से अधिक उठने की ताकत नहीं है, इसलिए उस पर्व के अंत में क्या लिखा है, बैन नहीं कह लकी और सम्यक धर्म। और दस लक्षण के अंत में क्या लिखा है, ध्यानत धर्म दस पैड़ी चढ़कर। यानी धर्म का मूल सम्यक दर्शन, उसका पर्व मुख्यता अष्टानिका, वो साक्षात धर्म सम्यक चारित्र, उसका पर्व ये दस लक्षण। और जब अष्टानिका का मंगलाचरण हो, स्थापना आप करते हो, सर्व परव में बड़ो अठाई, तो अष्टानिका बड़ा है कि दस लक्षण बड़ा है? तो दोनों पर्व है। और वहां लिखा है, क्या लिखा है, कठिन थोड़ी है, जिस तुम्हारी रोजाने की पूजन वैसे जो बोल रहे हो, सर्व परव में बड़ो अठाई पर्व है, तो अष्टानिका बड़ा कि दस लक्षण बड़ा? अब फिर मोहन नहीं रहा भैया, हम थके हैं, तुम नहीं बोलोगे तो नहीं, पुराण शुरू कर देंगे तो अपने आप बोलोगे। बोलो जल्दी से, अष्टानिका बड़ा कैसे था अष्टानिका बड़ा? बोलो अभी तो कम से कम कह दो दस लक्षण बड़ा, सामने दिख रहे हैं। एक तो भैया बोले, भैया जो आते ताके गीत गा, जो पर्व दिखे तो उसके गीत गाते हैं, ऐसा नहीं। कारण लिखा है, सरो परव में बड़ो अठाई पर्व, यद्यपि बड़ा दस लक्षण ही है, बड़ा तो चारित्र ही है, लेकिन मूल के बिना महल कहां से खड़ा होगा? बड़ा तो महल ही दिखता है, नीम तो दिखती नहीं है, परंतु नीम बिना महल खड़ा नहीं होता, इसीलिए नीम की अपेक्षा होने से अष्टान का बड़ा। पकड़ में आया हेतु? नहीं, सम्यक दर्शन को बड़ा कहने का कारण क्या है, कि भगवान आत्मा की प्रतीति के बिना, ज्ञान के बिना, इन चारित्र के पर्व मन से नहीं है, जो साक्षात चारित्र के पर्व, यानी ये तो परम आनंद के पर्व है। धमादि जिनकी चर्चाएं थोड़ी संक्षिप्त में अपन संध्या की वेला में लेंगे, उसके बाद कथा का योग जैसा बनेगा वैसा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो मूल है, तो कम से कम मूल धार नीव धारण करके मैल खड़ा हो जाए, ये व्रत है, इनको व्रत कहा जाता है। तो इन व्रतों का मूल सम्यक ज्ञान, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परमाणु व्रत, जगव्रत, देश व्रत, अनाथ दंड व्रत, आगे बोलो, सामाय, प्रस्तोपास, भोगों को परिमाण और अतिथि संविभाव। या व्रत का नाम जब जब आता है, तब व्यवहारिक व्रतों में भी हम एक एकासन उपवास तक ही सीमित हो जाते, जबकि अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, तो कम से कम भैया महाव्रत तो बड़ी बात है,
हम अणु व्रतों के अभ्यास पूर्वक मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? अणु व्रतों के अभ्यास पूर्वक, व्यवहारिक सम्यक ज्ञान और अणुव्रतादि का अभ्यास पूर्वक परमार्थ भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चैत्र पूर्वक के पर्व मनेंगे। तो इनको मनाने के लिए हम इनमय जो हो जाता है ऐसे नियम सार को लाए। आप नियम लेके यहाँ आयो तो हम नियम सार सुनाएंगे आपको, और अगर आप नियमों के साथ नहीं होते तो नियम सार की पात्रता नहीं बन पाती। समझ में आया? नियम जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग के कारण भूत एक नियम नहीं, उसके जीवन को सहस्रवार धिक्कार है। और नियम होने पर भी नियम सार नहीं तो कोटि बार धिक्कार है। तो परमागम नियम सार का एक कलश की बस वांछना करेंगे, उसके बाद दूसरा सब दस्तक ले सकते हैं है ना। पर शुरू हुआ है और अब से निवृत्ति के दिन है। दस लक्षण पूजू सदा, दुकान नहीं पूजू कदा, रोटी नहीं पूजू कदा, व्यापार धंधा नहीं, ये तो सदा सदा में दस लक्षण में ही दस लक्षण नहीं पूजोगे तो कब पूजोगे? मोबाइल नहीं पूजू दस दिन कम से कम, हाँ कदा तो छोड़ो दस दिन ही बंद कर, और कम से कम इतना तो रखना कि यहाँ तो बंद रखना भाई इस परिक्रमा में, जाना ना कर पाओ तुम्हें प्रवचन सुनना है उनको अलग व्यवस्था है, परंतु फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करोगे। जब जब हमें लगता है आपसे चर्चा करते हैं पंडित जी क्या करें, हमारी उपवास की बहुत भावना है लेकिन सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसा बने वैसी शक्ति प्रमाण करना। परंतु हमने कहा दस दिन के लिए टीवी बंद कर दो, पंडित जी शक्ति नहीं है, अखबार बंद कर दो कि शक्ति नहीं है, अब जाओ कौन सी शक्ति चाहिए थे? दस दिन मोबाइल नहीं बंद, यूट्यूब यूट्यूब जो सब कछु नहीं देखना, दस दिन तो जब समय मिलेगा साथ, कम से कम एक ही नियम तो लो भाई। हर हजार नियम अपनी रूढ़ी के नियम दो चार ले लिए और हो गए भाई दस लक्षण, और फिर सब चलते रहे वो पास कितने वो मोबाइल चला रहे, हालत जैसी खराब। कम से कम व्रत के दिन आए, नियम के दिन आए, विकताओं का त्याग करेंगे, धर्म कथाओं में रहेंगे और धर्म कथाओं से भी उठ करके गायक महिमा सुनते सुनते गायक मय जीवन हुए। समझ में आया? तो भैया इन दिनों को आज भूमिका का दिन है भैया, बहुत सी शरीर की स्थितियां हैं, आपकी खूब भावना है, हम एक बार भी पानी ना पिए कोई बात नहीं है, नहीं पी पी रहे हो दो बार तीन बार जल ले लिया, लेकिन भावना भाव अगर अपन अमृत पिएंगे तो एक दिन वो भी आएगा, लेकिन कर्णों से जहर मत पीना, विकताओं से बचना और धर्म अधिक से अधिक समय निकाल करके जो स्वाध्याय सुन के जाओ उसका चिंतन करो, अलग से चिंतन करो, अपनी सामायिक के काल में सामायिक, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय है, इन दिनों तो कम से कम दोपहर की सामायिक नहीं छोड़ना है, संध्या की सामायिक नहीं छोड़ना, और सामायिक में सामायिक को नहीं छोड़ना। ये दूसरी बात समझ में नहीं आती, पहली फिर भी समझ में आ जाती, इन दिनों में सामायिक मत छोड़ना और सामायिक में सामायिक मत छोड़ना। सामायिक में सामायिक अर्थात क्या है? सामायिक है किसका नाम, पूजा है किसका नाम, स्वाध्याय है किसका नाम? तो नियम सार कहेगा एक आत्मा को भाने का नाम है सामायिक स्वाध्याय पूजा। तो भैया व्यवहार के साथ में परमार्थ प्रकट हो जाए तो हमारे दस लक्षण सार्थक हो जाए। बड़े पंडित जी ने दो तीन दिन पहले ही कहा था, क्रियाओं की प्रधानता नहीं भावों की प्रधानता रहे, भाव प्रदान रखना, प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य समझना, भाव समझना, पूजा करते उनके भावों पर ध्यान देना। तो यहां महाराज कह रहे हैं कि बब ये दस लक्षण आए हैं
तो बड़े आनंद के साथ तू मना। तो कैसे मना? 19 नंबर का आज कलश बांचने का भाव है। एकादन में इसको लेकर फिर गाथा प्रारंभ करेंगे साथ में। परिग्रह परिग्रहग्रयम् त्वा कृतोपेक्षां च विग्रहे निविग्रह प्रायश्चिन्मा विग्रहं भावेत् बुधा। देखो उसका कारण क्या है कि जब भगवान महावीर की जयंती आती है और महावीर पूजा न करें और सब होता रहे तो कैसे लगे? अब तो भाई हमने एक घंटा यहाँ चर्चा कर ली, दस लक्षण का नाम ही ना है और दस लक्षण प्रारंभ हो गए तो अभी ना होती, समझ में आए? इसीलिए कल से अपना विचक्रम का चलेगा, दस लक्षण संध्या को चलेगा। क्या लिखते देखो, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, नंबर एक बोलो एक साथ, क्या करो? परिग्रह का ग्रहण छोड़कर शरीर के प्रति उपेक्षा करके, दूसरा क्या बोले? हाँ अच्छे से बोलो, आज तो बात शुरू भए होंगे ना, कल तो भोजन लिया ही होगा। नंबर एक, हाँ, और शरीर के प्रति उपेक्षा करके, शरीर को छोड़कर नहीं लिखा, जो शरीर को वो तो साथ में है ना, तो क्या लिखा उसके प्रति? और क्या करें, दो काम तो ये नास्ती परक हुए हैं, प्रारंभ कर रहे हैं व्रत। हम बोलते हैं गहरे जंगल में और पदम प्रमलदारी देव मुनिराज बैठे थे और बड़े आनंद के साथ बैठे हुए, तो हम पूरी सभा पहुंचे, महाराज जी नमस्तु, महाराज दस लक्षण प्रारंभ हो गए। बोले भक्त प्रारंभ हो गए? यहाँ महाराज प्रारंभ हो गए। तो फिर तुमने अपने को आत्मा देख लिया क्या? नहीं देखा? अपने को श्रावक ही मत देखते रहना, अपने को ज्ञायक देखना, समझ में आया? इवार के करता धरता तो मानना ही नहीं, श्रावक ही बन के दस लक्षण नहीं बनाना, ज्ञायक बन के बनाना। महाराज कछु नियम बता, हम का नियम ले कैसे बनाए? तो महाराज जी बोले हैं परिग्रह का ग्रहण छोड़कर। कौन से महाराज जी? हम उन्हीं के शब्द मान रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के शब्द, व्याख्या हमने कुछ करी भी नहीं है। हाँ मुनिराज, इसलिए तो महाराज जी बोल रहे पदम प्रद दाली महा मुनिराज, गहरे जंगलों में, अरे जिनको कोई आचार्य की पद की भी उपाधि नहीं थी, समझ गया ना? अंत में समाधि के लिए तो वो मुनि पद में आते हैं ना, पहले देखो मुनिराज है मेरे स्वाध्याय में, जो मतलब टीकाकार अधिकतर आचार्य, और ये नियमकार के टीकाकार कौन है? मुनिराज पदम प्रमलधारी देव। तो लिखते हैं अच्छे मुनिराजी भव्य है, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर और शरीर के प्रति उपेक्षा करके। परिग्रह की जब जब वार्ता चलती है तो बहिरंग का पारद्रव्य की जो एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, ग्रहण छोड़कर। अरे भाई तूने पर का ग्रहण तो किया नहीं है, व्यर्थ ही तूने मान रखा है मैंने पर का ग्रहण किया है। अब परिग्रह का ग्रहण छोड़कर मतलब क्या? तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ रहा है, जहां बैठे वहीं से तो बोलना पड़ेगा। दुकान का ग्रहण छोड़कर, घर का ग्रहण छोड़कर, पुत्र स्त्री आदि का ग्रहण छोड़कर, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, अरे भैया बंद कर देना कम से कम। दस लक्षण शुरू हो गए और अभी आपने बुलाए होंगे उनको, कहाँ? ओम रीम उत्तम चमादि दस लक्षण धर्माय, क्या बुलाए? अब सर आओ आओ, ठहरो ठहरो और मेरे साथ
एक मेक हो जाओ। वो तो हम संध्या को आ नहीं पाए, नहीं बताते, कल बुलाओगे उसके पहले सफाई कर लेना, बुलाएंगे ना। जब बाहर में हम जैसे सामान्य श्रावक को अपने घर में बुलाने के लिए आप पहले कुछ तैयारी कर लेते हो, वो भैया आ रहे हैं, वो जल है वो प्रकार का के नहीं है, वजन का चौका कैसा है, किचन तो नहीं है कहीं है? किचन मतलब किच किच, और चौका मतलब द्रव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। हाँ, उसका नाम चौका है। तो काल भी शुद्ध हो, द्रव शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, अब लगा लेना, ये व्याख्या हम ज्यादा नहीं कर पाए। तो हम जैसे सामान्य श्रावक को बोला गुणराज का पड़गान के लिए पहले वो शुद्ध भोजन अंदर होता हो, स्वयं करता तो गुणराज के दर आएगा, हे गुरु अफसर आओ आओ। और अगर जैसे ही गुणराज को आप अंदर ले गए और काली काली टाल से लगी है तो क्या होगा, अंतराय करके चले जाएंगे। तो दस लक्षण को बुला रहे हो और काला काला मिथ्या तो बैठा है, आओ आओ आओ। और काला काला मिथ्या तो बैठा है, क्या मिथ्या तो बैठा है, कहाँ के रहने वाली हो भैया, क्या नाम है, सो कोई बात नहीं, बोलना व्यवहार है, मानना और पछुए, मानना क्या है बोला लोग व्यवहार है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी दस देना तो भूल जाना सौरभ भैया, क्या भूल जाना, मैं सौरभ हूँ तो क्या क्या याद रखना, मैं तो ज्ञाता हूँ, ए भगवान ज्ञाता द्रव्य, अर्थात कचड़ा सब साफ कर देना, पहले अशुभ भाव का सफाई कर देना, शुभ भाव में बुलाओगे लेकिन शुद्ध उपयोग में तुम्हारे घर में आए, बुलाओगे तब शुभ भाव है और जब भी आएंगे तब शुभ भाव भी चला जाएगा, कौन सा भाव हो जाएगा, शुद्ध उपयोग वही परिणाम हो जाएगा। तो हमने आज बुला लिए और घर में बिठा लिए, अब देखो जब हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे हम जैसे सामान्य श्रावक, तो उस समय तो हमारे सामने मोबाइल नहीं चलाओगे, पक्का है, इतना तो कम से कम विवेक है। हम घर पहुंच गए और सब घर में ऐसे ऐसे ले बैठे हो अपने अपने, हमारे सामने तो नहीं करोगे कम से कम, वैसे लोग भी सामने कर लेते हो आप। आजकल हालत खराब है, कैसी हालत कि पिता बैठे हैं तो वो भी ऐसे लगे जमाने के लिए, माँ बैठी है तो वो भी, बच्चा बैठे तो वो भी, मेहमान चलेगा बेचारे सब देख रहे हैं सकल, उनने भी निकाल दिया, अब एक दूसरे से बोलने को फुर्सत नहीं है और वो बात मैसेज कर रहे हैं और कैसी हो गए, करे हम ठीक है और आपने सामने बैठे, बताओ क्या हालत है। बड़े बड्डी जी कहते हैं एक और जो व्याख्यान ने तुम्हारा समय बचाया है, वो कपड़ा धो लिए तुमने मशीन में, वो कर लिया वो मशीन ने कर दिया जल्दी खटका लगाया वो हो गया, अब समय बचा दूसरी ओर समय बर्बाद करने के साधन दे, समझ में आया, एक और समय बचाने के साधन दिए तो दूसरी ओर समय बर्बाद करने के साधन दे दिए, बल्कि वो समय बचाने के साधन तो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ ही रखते थे कम से कम, हैं? विवेक और यत्नाचार पलता रहता था उनमें, अगर आप स्वयं देख कर कर देते सो देते थे, हमारी माता है मैंने उठ करके वो सुबह ही अपने वो चकिया से आटा पीसती थी, देखती थी, सोती थी, अब वो सब उसमें कम से कम शोधन बीधन सब में होता था, और हम अपनी आगम भाषा में कहें तो चरणानुयुक्त का स्वाध्याय होता, एक अम्मा जी गेहूं शोध रही है, अब उनसे पूछा माता जी क्या कर रही हो, कि हम चरणानुयुक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, चरणानुयुक्त का स्वाध्याय, माता जी ये कैसे कर रही हो, श्राव का चार के श्लोक, कि बेटा तुम श्लोक पढ़ते हो हम श्लोक के अनुसार जीवन जीना सीखते, हम चरणानु का स्वाध्याय कर रहे हैं, है? धर्मात्मा से पूछा गया सामायिक में बैठे थे क्या कर रहे थे, अब तो बोल दो भाई, द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर रहे थे। वन महासती अंजना से पूछा, जंगल में सासू ने निकाल दिया और दोष नहीं देखा सासू का,
बोली माता क्या कर रही हो मां सती, कर्णामियों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कर्म पूरा किए खोटे सही क्यों ना दियरा। उस समय वो महापुरुषों को याद कर रही थी, सीता को अंजना को जो हो चुकी है मां सतियां, क्या कर रही थी कि हम प्रथमारियों का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय एक घंटे की क्रिया नहीं है, स्वाध्याय 10 मिनट की क्रिया नहीं है, स्वाध्याय तो सतत चलने वाला धारावाहिक ज्ञान है। जहां बैठे हैं वहीं स्वाध्याय करो, जिस स्थिति में वहीं स्वाध्याय करते रहो। जहां सोकर लक्ष्य हो जाएगा वहीं स्वाध्याय हो जाएगा, जहां पर का लक्ष्य हो गया वहीं पर अध्याय हो जाएगा। स्वाध्याय से समय सार मिलता है, स्वाध्याय समाधि की ओर ले जाता है और अध्ययन उपाधि की ओर ले जाता है। अध्ययन से उपाधियां मिलेंगी, स्वाध्याय से समाधि मिलेगी। समाधि मतलब शांतता। अगर आपके जीवन में शांतता आ रही है, बड़े पंडित जी का वाक है, अच्छे वाक का नाम ना ले पाऊं तो नहीं की समझियो, स्वाध्याय समाधि की ओर ले जाता है और अध्ययन उपाधि की ओर ले जाएगा। उपाधि मिलेगी, जहां उपाधि होगी वहां अकुलता होगी, जहां समाधि होगी वहां निराकुलता होगी। कैसे मनाए महाराज जी, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, परिग्रह का ग्रहण छोड़ दे आज। परिग्रह बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह आज सब लगा लेगा, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर। अरे परिग्रह का तूने ग्रहण नहीं किया, परिग्रह ने तुझे ग्रहण नहीं किया और तूने परिग्रह का ग्रहण नहीं किया, जबरन अभिप्राय में ग्रहण किया। शरीर के प्रति क्या करके अपेक्षा करके, भोजन तो दोगे पानी दोगे चलाओगे उठाओगे, लेकिन क्या करके उपेक्षा करके। अरे आत्मा की उपेक्षा आज तक करी है? आत्मा की तो करी उपेक्षा और पर शरीर के रहा एकत्व। अब 10 दिन क्या करो, शरीर की उपेक्षा करो, उपेक्षा करो अर्थात मध्यस्थ रहो। उपेक्षा का अर्थ क्या है, उपेक्षा जानते हो क्या होता है? उस तरफ नजर ही मत करो जिसकी उपेक्षा करते हो ना, वो फिर रह नहीं पाता। ध्यान रखना, उपेक्षा करते हो भले ही आप उसको भोजन दे रहे हो पानी दे रहे हो सब कर रहे हो, तो क्या बात है, कछु तो नहीं, हमने आपको भोजन दिया कि नहीं दिया? हाँ नहीं, वो तो दिया आपने, कोई बात नहीं। पानी दिया कि नहीं दिया? क्या दिया तो सही, लेकिन आपका वो इसने जो इसने पहले मिलता था वो नहीं। अरे कपड़ा लगा दिया आपके सो जाना, और साहब अरे तो कह दिया तुम्हारे बिस्तर लग गए बेचारा, यार सोचा टुकड़ टुकड़ क्या बात है जी, बोलते ही नहीं है क्या बात है जी। रसोई बंद, जब आप उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दोगे, हम आपके घर गए आप पूरी व्यवस्था करते रहो लेकिन उपेक्षा करते रहो, व्यवस्था भी कर रहे हैं बाहर में लेकिन वो व्यवस्था कैसी हो रही है, उपेक्षा पूर्ण। और उपेक्षा पूर्ण व्यवस्था कब होती है, जब अपने काम में लगे रहते हो और उसका काम बड़े कष्ट से करते हो, इसका नाम है उपेक्षा। पकड़ में आया कि नहीं आया है? हम लेने गए, हमें लेने के लिए आया मान के चलो, ऐसा नहीं है भैया, तो समझने मत लगना उल्टा है। और फिर अब आ गए हम, आ जाते पंडित जी, आ जाते हैं, आए जाते हैं, और फिर वहां भी खड़े हैं और का है बैग बैग उठाना है, हाँ थोड़ा तो मैसेज आ रहा है अच्छा हाँ आ ले ले तो ले ले चलो कहाँ 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 आपको बाहर बाहर से तो आप चले जाओगे ना, बाहर वहाँ पे छोड़ देंगे वहाँ से आप चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा मेरे, ये तो हालत सही नहीं कैसे रहेगी दस दिन, अगर बीच में आए हो तो ऐसा लगता है दूसरे दिन चले जा है। 2 दिन आप आने लगे और पंडित जी आपका टिकट कब का है, तो समझ लो अब उपेक्षा होने लगे है। 1 घंटा के प्रवचन में आप 2 मिनट को आगे बैठ रहे हो और पंडित जी अभी और कितनी देर तक लोगे आप, समझ लो उपेक्षा होने लगी। तो क्या करना चाहिए, जहां उपेक्षा होती है वहां बोलो कैसे रहोगे,
तो जब तुम शरीर की उपेक्षा करोगे तो क्या दिन रहेगा? सम्यक दर्शन के बाद इसकी उपेक्षा हो जाती है और आत्मा की अपेक्षाएं हो जाती हैं। हम तो बस इसलिए संभाले हैं कि हमें साधना करना है। हम तुझे भोजन इसलिए दे रहे हैं, पानी इसलिए पिला रहे हैं, जिनवाणी पीना है। क्या करें, हमारी मजबूरी है। जो तुझे पानी देना पड़ रहा है, भोजन देना पड़ रहा है, बस चले तो वो भी ना दे। अगर बस जाए अपने में तो तुझे पानी और भोजन की भी लाली पड़ जाएगी। अभी तो हमने अपना घर देखा है, वो जिस दिन घर में रहने लगेंगे उस दिन ये शरीर तुझे पानी भी नहीं देंगे। आज पानी दे रहे हैं, समझ लो। श्रावक की भूमि में बैठे हैं तो तुझे पानी दे रहे हैं, तुझे भोजन दे रहे हैं। एक दिन तो वो आएगा कि तुझे पानी नहीं देंगे, कि तुम पानी नहीं दोगे उसके पहले ही हम चले जाएंगे। भैया देवताल गुरु की अपेक्षाएं करी हैं, धर्मात्माओं की अपेक्षाएं करी हैं इस शरीर के लिए। आज तक हमने धर्म पर्वों की अपेक्षा करी है शरीर के लिए, और मुनिया कह रही है भव्य पर का ग्रहण छोड़कर इसकी भी अपेक्षा कर दिया। अब इस पर दर्शन लक्ष्य नहीं रखना, अब इसकी अपेक्षा रखना। ये मत सोचना आपके बिना नहीं चलेगा, वक्त के बिना नहीं चलेगा, चले तो चले, ना चले तो ना चले, मुझे मेरा आत्मार्थ चलाना है। ये 10 दिन मेरे लिए आए हैं, और कम से कम ये 10 दिन अगर आप अपने लिए मना लोगे तो सदा अपने लिए मनाओगे। इसलिए ये महान पर्व आए हैं, ये महान आत्मा को साधने के आए। महाराज ये तो हम करें, लेकिन कछु बता दो मिलेगा क्या? बुद्ध पुरुष क्या लिख रहे हैं? पहला पहला बोलना, अब मैं दूसरा विषय नहीं लूंगा। घोड़ा पहला पहला रहना, परिग्रह का याद नहीं करोगे तो छुट्टी नहीं करूंगा, ध्यान रखना। हाँ, नंबर एक एन छोड़कर, इसलिए तो मैंने कहा था मुझे सबको याद कराना है। दूसरे नंबर, अब कौन? बुद्ध पुरुष। इतना किया तुम बुद्ध पुरुष हो गए। बुद्ध मतलब ज्ञानी। हे ज्ञानी पुरुषो, हे वेद विज्ञानी जीवो, तुम परिग्रह का ग्रहण छोड़ो 10 दिन। 10 दिन कम से कम, मैं हम तो हमेशा के लिए कह रहे हैं। आचार्य महाराज तो हमेशा के लिए कह रहे हैं, हम 10 दिन नहीं कह रहे। शरीर के प्रति क्या करो, जल्दी अपेक्षा करो। अब इसी को श्रृंगार मत करते रहना, इसी को सजाते मत रहना, अब तो अपेक्षा कर देना। जल्दी से लिया और जी आगा जिनाल है, जे बैठ गए सामायिक में ये स्वाध्याय के साथ, जाकी नहीं रखना। 10 दिन भूल जाओ इस शरीर को, मैं शरीर है। क्या लिखते हैं? बुद्ध पुरुष। महाराज क्या करे भी बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष। महाराज सुख कहां से मिलेगा? अव्यग्रता से भरा हुआ। अव्यग्रता का अर्थ है निराकुलता से भरा हुआ। क्या लिखा? एक तो व्यग्रता और एक दो शब्द याद आ रहे, व्यग्रता और व्यग्रता। जब होती है सौरभ तो क्या होता है? आकुल तो होती है। खाएगी व्यग्रता है तुम्हें, घर जावे की है भैया पंडित जी ने जबरदस्त बजा लिया है। एक व्यग्रता और दूसरा तो अव्यग्रता से भरा हुआ, अर्थात किससे भरा हुआ? निराकुलता से। और ये किससे भरा हुआ? अरे उसी की नास्ती बोल दो, व्यग्रता से भरा हुआ। और भगवान आत्मा कैसा? निराकुलता 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 से भरा हुआ चेतन मात्र। कौन कौन है? ए शरीर नहीं, कर्म नहीं, पुण्य पाप के भाव नहीं, चेतन मात्र जिसका शरीर है। एक शरीर तो छुड़वा दिया, दूसरा शरीर ले आए। कौन सा शरीर ले आए? अब चेतन मात्र शरीर कैसा है भाई बोलो? अव्यग्रता से भरा हुआ। न रह पाए याद तो कोष्टक याद कर लो। निराकुलता से कौन? चेतन मात्र जिसका शरीर है। अब पूरी लाइन बोलना, निराकुलता से। जोर से बोलो, किससे?
नहीं नहीं नमोकार मंत्र जैसा पढ़ा जाता मेरे सामने तो। तीसरी बात फिर बोलो, अव्यग्रता नहीं बोलना। अब एक अव्यग्रता बोलेगा एक निराकुलता बोलेगा, निराकुलता ही बोलो, वो आपको याद रह जाएगा। निराकुलता से बोलो, आ दोबारा बोलो, तीसरी बार बोलो, कौन? चैतन्य मात्र जिसका शरीर है। क्या हमें तो उनों को भी याद कराना है जो दस दिन दसैया है, माना जिनको दस दिन आना है उनको लगेगा ये कई श्लोक इतना अच्छा नियम सार कैसा होगा, सबसे कम एक श्लोक मतलब पढ़ लिया वही अच्छा है। तो पूरा नियम सार कैसा होगा, नियम सार भी हम उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि वे भी उनने श्रापाचार भी नहीं पढ़ा हो, नियम सार बैठ साथ बैठ जाए, इसे धीमे धीमे और सरसता से पढ़ेंगे। किससे भरा हुआ? निराकुलता से भरा हुआ जिसका शरीर है उसे क्या करना चाहिए, उसे अर्थात उस आत्मा को भाना चाहिए। क्या करना चाहिए महाराज जी? दस लक्षण कैसे मनाए? प्रश्न क्या था तो महाराज जी क्या बोले? बोलो नंबर एक, हाँ परिग्रह का और शरीर की सेवा करते हुए क्या करके? उपेक्षा करके। आप दो काम हो गए, हटाए दोनों काम, अब आनंद करो। निराकुलता से और चैतन्य मात्र जिसका, ऐसे आत्मा को उसी की श्रद्धान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, उसी को भाना चाहिए। कैसे माए महाराज? कि वो क्षमा में है, मार्दव में है, आर्जव में है, शौच में है, सत्व में है। अब उसको कैसे भाएंगे वो चर्चा अपनी चलेगी, चाहे पूजा में हो, चाहे सामायिक में हो, चाहे वृद्ध उपवास में हो, कहीं भी हो, आप चैतन्य को भाना, आनंद को भाना, यही आचार्य भगवान का है मूल संदेश है। तो आज महान पर्व आनंद के पर्व प्रारंभ हुए है। आनंद के दिन आए रे आए रे, दस लक्षण पर्व आए रे आए रे, आनंद के आए रे आए रे, दस लक्षण पर्व आए रे। परिग्रह का करके शरीर के निराकुलता से भरा हुआ जो चैतन्य मात्र जिसका शरीर, आत्मा के बाने के दिन आए आए रे, दस लक्षण पर्व आए रे। संध्या की लीला में क्षमा धनु की संक्षिप्त चर्चा करके और एक मंगल कथा राबाल गोपाल सबको अध्यात्म आगम और चरणाने की मंगल प्रेरणा देगी। आज हम एक दो दिन में दूसरी कथा पूरी करेंगे और एक महासती जिसने बहुत कष्ट सहे हैं ऐसा सुर सुंदरी चरित्र प्रारंभ करेंगे। यहाँ तो चलाया नहीं कभी हमने, सुर सुंदरी चरित्र लंबा चरित्र है। आप विपत्तियों में कैसे कैसे धैर्य और कैसे धर्म को धारण करें, वो बहुत ही अद्भुत भेद विज्ञान और लोक व्यवहार
और साक्षात्कार सिखाने वाली एक आज या कल से, आज तो दूसरी कथा लेंगे उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, और कल से वो कथा, और सुबह का जो समय यथावत रखा है उसी में नियम था, और 15-20 मिनट की कोई अंत अंत में आवाज गोपाल के लिए कथा, संध्या को प्रारंभ में आधे घंटे के लगभग स्वाध्याय अपना धर्म का करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः।